पायल, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं दी, सब ठीक ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ पायल? सब ठीक तो है ना? नहीं दी, कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं दी, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। सब खैरियत है? क्या हुआ बताओ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे हौले उठ रही है। दी, जब से इस घर में आए बस परेशानियां ही परेशानियां हो रही है। आप जानती है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ दी? कल हम सो रहे थे ना, हमारा मेन गेट दूर दूर से नॉक होने लगे, टक 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 टक। मैंने घबराहट में अपने हस्बैंड को उठाया, तो फिर क्या हुआ? फिर जब मेरे हस्बैंड गए ना, वो बताते हैं गेट खोला तो कोई नहीं था। फिर खैर हम आके ऐसे तैसे करके सो गए। दी, फिर थोड़ी देर बाद मेन गेट ठक 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 आवाज आने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि रुके, मैं साथ चलती हूँ। जब हमने गेट खोला ना दी, आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ी सी काली परछाई थी। खैर हमने जल्दी से गेट बंद किया, हम जल्दी से भाग के अपने रूम में आ गए। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? दी, फिर ऐसे तैसे करके सुबह हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज ऑफिस मत जाएं, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। दी, आप जानती हो अकेले रहना कितना मुश्किल है। पर फिर मैं रही, मैंने कहा चले आप जाए, क्या कर सकते हैं, आपका ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। दी, मैं किचन में काम कर रही थी, एकदम वॉशिंग मशीन की आवाज आई। मैं हैरान रह गई कि वॉशिंग मशीन तो मैंने लगाई नहीं है। खैर मैं गई तो वाकई खाली वॉशिंग मशीन घूम रही थी। फिर मैंने वॉशिंग मशीन बंद की, बाहर आई तो टीवी चल रहा, वो भी इतनी तेज आवाज में। फिर मैंने टीवी बंद किया तो फिर जोर जोर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लग गई थी। आप यकीन नहीं करोगे आज मैंने पूरा दिन किस तरह काटा। फिर मैंने किचन में खाना पकाने के लिए गोश्त निकल के आई, जब मैं किचन में गई थी तो गोश्त ही गायब हो गया। फिर हस्बैंड आया ऑफिस से, फिर वो नहाने चले गए। जैसे वो वॉशरूम में गए, उन्होंने जोर से चिल्लाया पायल पायल। मैं भाग के गई, मैंने कहा जी, बोले क्या हुआ? तो कहेंगे शार में से पानी के बजाय खून आने लग गया, वो भी बहुत डर गई थी। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। पायल तुम ऐसा करो, अपना घर किसी को चेक करवाओ। ठीक, किसको चेक करवाए? मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, आप जानती है ना। मैं यहाँ ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है मुझे आए हुए, आप जानती है हम तो पहले बाहर रहा करते थे। दी, बहुत गलत फैसला हो गया इस घर में आके। हाँ पायल, वो तो तुम ठीक कह रही हो, पर इस तरह ऐसे रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या करें आप ही कुछ बताएं, क्या करना चाहिए? मैं किसी को नहीं जानती थी, किसको दिखाऊं घर? समझ में ही नहीं आ रहा थी, जब से आए परेशानियाँ हो रही है, कभी कुछ होता जा रहा है तो कभी कुछ। हस्बैंड भी कह रहे हैं क्या करूं, हस्बैंड खुद किसी को नहीं जानते, क्या करना चाहिए थी आप ही बताएं। कल भी हस्बैंड के वॉलेट से पैसे चोरी हो गए। इस तरह मैंने अलमारी खोली तो मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे। दी, इतने बड़े बड़े सुराख हुए हुए थे, सब मेरी नई साड़ियाँ थी। दी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस घर में। कभी ट्यूबलाइट ब्लिंक करती है, कभी बल्ब, कभी पंखा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। कल सो रहे तो एसी बंद हो गया, हमें तो लगा लाइट चली गई। हम पूरी यार इस तरह सोते रहे, जब सुबह उठे तो एसी खुला हुआ था लेकिन एसी चल नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड ने सोचा एसी ख़राब हो गया होगा, जब हस्बैंड ने खोला तो एसी था ही। तब दी, इस तरह कैसे होगा गुजारा हमारा इस घर में, आप ही बताएं ना क्या करना चाहिए। मैं किसी को नहीं जानती दी, जब से इस घर में आए ना तो यही होता जा रहा है हमारे साथ। दी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। दी, मेरे गोल्ड के तो सारे सेट हैं, वो भी लॉकर में रखे हुए, कहीं वो खराब ना हो जाए। दी, ऐसा करें आप वो अपने घर ले जाएं। नहीं नहीं पायल, मैं लेके नहीं जा सकती, तुम जानती हो मेरे घर में नौकर सब काम करते हैं, अगर खुदा खास्ता खराब हो गया तो मैं क्या करूँगी। पर दी, मेरे घर में भी तो सेफ नहीं है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर मेरे लॉकर में से मेरे सोने के सारे सेट खराब हो गए तो मैं क्या करूँगी। दी, ये घर नहीं हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड हाउस। हाँ पायल, वो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं चलिए अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, क्या अगर वो किसी को जानते हो तो वो घर चेक करवा दें। हाँ दी, प्लीज़ अपने हस्बैंड से बात कीजिए ना। दी, आप अपने हस्बैंड को बोल दें अगर हो सके तो हमारा घर बिकवा ही दें, प्लीज़ दी। आपको पता है कल हस्बैंड ना तो ऐसे ना बिल्ली और कुत्तों के लिए गोश्त ले आए थे, मेरे हस्बैंड अक्सर ले आते हैं, हम जहाँ पहले रहते ना उसमें पहले भी यही करते थे, तो हम यकीन नहीं मानेंगे। थी जब मेरे हस्बैंड ने गेट पर जाके गोश्त डाला ना, तो कोई कुत्ता कोई बिल्ली नहीं आई, और वहाँ पे कुत्ते बिल्ली थे लेकिन हमारे गेट के पास कोई आ ही नहीं रहा था। वो फिर क्या हुआ? फिर हस्बैंड कह रहे हैं, मेरे एकदम दिमाग में आया कहीं घर का कोई मसला तो नहीं है। हस्बैंड कह रहे हैं वही सारा गोश्त ना मैंने उठा के थोड़ी दूर जाके डाला तो सारे कुत्ते बिल्ली आ गए। दी, इस घर में कुछ तो है जो कुत्ते बिल्लियाँ भी इस घर के करीब नहीं आ रहे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दी, मैं वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है हस्बैंड के साथ। मैं किसको कहूँ दी, मेरी अम्मी तो इन सब चीज़ों में है भी नहीं, ना मेरी अम्मी किसी को जानती है। दी, मैं किसको बताऊँ अपने दिल का हाल, इस वजह से हम कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं रहे। आप जानती है रातों की नींद खत्म हो गई है हमारी, ना सुकून से सोया जा रहा है ना जागा जा रहा है। मुझे तो लगता है घर हमें कभी निकलने ही नहीं देगा, गलत फैसला हो गया इस घर में आके।
प्लीज मेरे चैनल आशी के जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।